निजी स्कूल अप्रैल के पहले सप्ताह से छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसको प्रदान करने के लिए आईटी कंपनियों के साथ टाई अप कर हजारों रुपए के सॉफ्टवेयर लेकर बच्चों को लॉकडाउन में गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसका सारा खर्चा प्राइवेट स्कूल संचालक बहन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर से मिलकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। प्रदेश अध्यक्ष यूएस चौहान की अगुवाई में एसोसिएशन के विभिन्न पदाधिकारियों व सैकड़ों स्कूल मैनेजमेंट द्वारा हस्ताक्षर किए गए मांग पत्र को सीएम के लिए प्रेषित किया गया। जो गरीब बच्चे हैं हमारे गांव में, गरीब हैं, शहर के गरीब बच्चे हैं, उनको भी हमने बहुत सारी इलेक्शन दी होती हैं, रूटीन में अपनी तरफ से दी होती है। हम भी समझते हैं कि क्या किसी कैसी पोजिशन है, लेकिन ऐसे दबाव डाल के इस सिस्टम को ख़त्म करना वो बात ठीक नहीं है। पब्लिक के बारे में असर तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ज़्यादा असर कुछ नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे लोग उसको भी ठीक से नहीं मान रहे हैं कि लोग भी समझते हैं कि जैसे मंत्री जी बोलते हैं कि बिना फीस से आप पढ़ाओ, वो कौन कैसे हो सकता है? बिना फीस से गवर्नमेंट भी कहाँ पढ़ा रही है, इवन लॉकडाउन पीरियड में भी कहाँ बिना फीस से पढ़ा रही है। जितना पैसा वो गवर्नमेंट के कहते हैं ये फ्री है और वो फ्री है, वो तो बजट से चल रहा है। वो तो उसका जो सारा जो रेवेन्यू रिसीट है स्टेट की, उस एक्सचेकर से जो बजट दिया जाता है उससे पैसा चल रहा है। वो फ्री तो कहीं भी नहीं है, वहाँ भी फ्री नहीं है। गवर्नमेंट बिजली के बिल हमारे से ले रही है, जीएसटी ले रही है गवर्नमेंट, और सारे जितने भी टैक्सेस हैं वो कोई माफ़ तो नहीं कर रही है। अगर हम ईएमआई नहीं दे रहे हैं, 3 महीने के लिए ईएमआई नहीं दे रहे हैं, तो उस ईएमआई के ऊपर भी इंटरेस्ट सरकार हमारे से लेगी, बैंक हमारे से लेगा। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या वेव ऑफ कर रही है, और फिर प्राइवेट स्कूलों के ऊपर इस तरह का दबाव किस लिए? सरकार से हम कोई चीज़ ले नहीं रहे हैं, सरकार को हम उल्टा सरकार का काम हम कर रहे हैं। अभी जो हमें मेन प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सरकारी स्कूलों ने एक आदेश जारी किया है कि घर घर पाठशाला के अगेंस्ट पढ़ाया जा रहा है स्कूलों को, वैसे ही प्राइवेट स्कूल्स भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सरकारी एम्प्लॉयज़ को, जो टीचर्स हैं, लेक्चर्स हैं, उनको सैलरी दी जा रही है। तो हम भी अब सैलरी कहाँ से देंगे अगर हम फीस नहीं लेंगे? हमारे टीचर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, 100-100 एम्प्लॉयज़ हैं स्कूल में, वो पढ़ा रहे हैं, सुबह से शाम तक पढ़ा रहे हैं, होमवर्क चेक कर रहे हैं। तो अब अगर मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री ये बयान दे दें कि हम फीस ना लें, तो हम उनको एम्प्लॉयज़ को कैसे फीस देंगे? या तो सरकार, जो शांता कुमार जी का ऑर्डर है नो वर्क नो पे, वो हमें कह दे कि आप फीस ना लें और उनको भी पे ना करें, तो सरकार उसकी जो सैलरी है क्या सरकार देगी? जैसे पूर्व में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने भी स्कूल्स को, जो गवर्नमेंट को एक सलाह दी है कि आप अगर कह रहे हैं कि फीस ना लें, और फीस ना लेंगे तो सरकार दे, तो उनकी मानी जाए, वो भी एक संस्थान है हिमाचल प्रदेश में, तो सरकार उनकी मानते हुए हमारे स्कूल्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फ़ीस दें, क्योंकि वो भी इसी फीस के साथ अपना परिवार चलाते हैं, उनका परिवार है। तो ये हमारा मानना है कि सरकार एक आदेश जारी करे, बार बार नए नए आदेश ना जारी करे। सबसे पहले जितना